तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो बायजूस पोंडुचेरी टी10 लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का, आज या कल जो भी आप बोलना चाहो, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई रात को, ठीक है। आप ऊपर टाइम देखिए जहाँ पर अभी मैंने एरो लगाया, 11:32 हो गए और मैं भाई 10 बजे या फिर आप मान सकते हो 9:50 पर इस वीडियो के स्टेट्स निकालने लगा था। और आप देख सकते हो कितना टाइम लगा सिर्फ स्टेट्स वगैरह निकालने में। अभी वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, बाकी काम करूंगा, उसमें भाई टाइम अलग से जाएगा, ठीक है। इतने एफर्ट के लिए यार सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूं। जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका तो सिर्फ एक लाइक लगेगा लेकिन मेरे को जो मोटिवेशन मिलेगा ना भाई, मतलब मजा आ जाता है। और आज के जो तीनों के तीनों मैच थे ना बायजूस की टी20 लीग के, अल्ट्रा क्लीन स्वीप मैंने आपको करवा के दिए। और ये भाई रॉयल्स वर्सेज किंग्स के बीच जो मैच खेला जाएगा ना, ये भी भाई आपके लिए अल्ट्रा क्लीन स्वीप मैं करवा के दूंगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा बढ़ते हैं स्टेट्स की तरफ। मैच की अगर बात करें तो भाई 8:30 खेला जाएगा मॉर्निंग में। वहीं अगर बात करें वेन्यू की तो यहां पर आप देख सकते हो जो क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड है पांडुचेरी का, वहीं पर भाई मैच होने वाले और पूरी की पूरी लीग यहीं पे खेली जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए भाई, प्रिडिक्शन और मेहनत का पता यहीं से लग जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि भाई यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच होंगे, आपको दिख रहा होगा, सिर्फ पहले मैच को निकाल दो, बाकी मैच यहाँ पर हाई स्कोरिंग होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात भाई मैंने क्या बोला था कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को यहाँ पर भाई हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर देखो, तीनों के तीनों मैच जो आज हुए, तीनों के तीनों मैच भाई सेकेंड इनिंग बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। पहले मैच में प्रिडिक्शन की थी मैंने, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ भाई प्रिडिक्शन लेवल है ना वो आपके भाई का गजब है, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपका अगर सपोर्ट मिल गया ना तो भाई तहलका मचा देंगे फैंटेसी फील्ड में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करें अगर यहाँ पर पिच रिपोर्ट की, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैलेंस विकेट रहेगी, लेकिन बैट्समैन को यहाँ पर हेल्प भी रहेगी और बॉलर्स यहाँ पर लगातार विकेट्स भी निकालते रहेंगे, क्योंकि भाई बल्लेबाज आएंगे और हिटिंग करेंगे और हिटिंग में कनेक्ट भी होंगे लेकिन विकेट जरूर गिरते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएशन वाले गेंदबाज है ना वो भाई काफी ज्यादा विकेट निकालने वाले पूरे टूर्नामेंट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी इस मैच की, यहाँ पर मैं आपको प्लेइंग 11 बता रहा हूँ दोनों टीम्स की। इनके अलावा अगर कोई प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टेट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा। आप कहीं से भी जाके सिर्फ लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें, आप रिजल्ट मेरे देख सकते हो, अभी अभी जो IPL का मैच खत्म हुआ है, अभी आप यहाँ पर देखो अल्ट्रा क्लीन स्वीप रिजल्ट आपका भाई लेके आया है। यहाँ पर आप देखो ये मेरे खुद के रिजल्ट है, एक तरफा विनिंग आपका भाई आपको करवाते जा रहा है। ऊपर आप देखो एक तरफा विनिंग भाई आपको करवा रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन से, वहीं से आपको हमारी फाइनल टीम मिलेगी। साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर सारी की सारे मैचेस की टीम्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी मैच मैं कवर करूंगा। जो मैच हाई इन्वेस्टमेंट वाला होगा क्लियरली छाती ठोक के बोलूंगा कि भाई हाई इन्वेस्ट करो और विन करवाऊंगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर अगर बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @KPMF11 आपको सर्च करना, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। वहीं अगर बात करें जो टॉप पर आपको चैनल दिखेगा ना, 5900 अभी हमारे फैमिली मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं टेलीग्राम पर, 5900 जिन्हें भाई हिंदी नहीं आती, काफी मतलब भाई होते जो वेस्टर्न साइड से, उन्हें भाई उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर भाई साउथर्न साइड से उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो 5.9K जहाँ पर आपको सब्सक्राइबर दिखे ना, वही चैनल आपको ज्वाइन करना है। अब चलिए भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे दोनों टीम्स के स्टेट्स की। वेन्यू के रिकॉर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम विन करेगी और उसी के फेवर में टीम आपको बना के चलनी रहेगी। एवरेज स्कोर 100 से 120 के बीच में मान सकते हो। वेदर की बात करें, कल का वेदर क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस ना के बराबर है। अब यहाँ पर भाई अगर बात करें रॉयल की टीम की, एक मिनट भाई यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रॉयल्स की टीम है, इनकी अगर बात करें तो आप इनके यहाँ पर देख सकते हो जो प्लेयर्स के स्टेट्स, जो ऑलमोस्ट फाइनल प्लेयर हैं जो खेलने वाले, उनके स्टेट्स मैं ले आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर बात करें कलादी नागौर बाबू की, तो 3 मैच में 6 रन है, ईजिली ड्रॉप कर सकते हो, GL मिनी GL में ट्राई कीजिएगा। पी सुरेंद्रन की बात करें तो मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, 8 मैच में 120 रन है, 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट रखता है, गजब का प्लेयर है। वही अगर यहाँ पर बात करें आर रघुपति की, तो भाई इनके स्टेट्स हमें मिले नहीं, मोस्टली भाई इनके स्टेट्स मैच से कुछ टाइम पहले ऑफिशियल
ऑफिशियल साइट जैसे क्रिक इन्फो, फैन कोड, इन पर अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से मैं आपको मतलब टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लोकेश की बात करें, 10 मैच में 250 रन है, गजब का प्लेयर है, 101% आपकी टीम में रहेगा ही रहेगा। वही अगर बात करें प्रियम आशीष की, 10 मैच में 270 रन, एक से बढ़कर एक प्लेयर आ रहे, गजब के प्लेयर है, दोनों के दोनों आपकी टीम में होने चाहिए। बॉलिंग की बात करें तो भाई अरविंद राज आपकी टीम में होने चाहिए, 6 मैच में 7 विकेट है। वही अगर बात करें एस साबरी को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। नीचे अगर आप चलोगे तो भाई आपके लिए यहाँ से जो प्लेयर है जनार्दन, इनके भाई स्टैट्स हमें मिले नहीं। इसके अलावा भाई जो प्रदीप राजन है, इनके भी स्टैट्स नहीं मिले। बाकी अगर बात करें तो भाई पी मुर्गुन को आप ट्राई कर सकते हो या फिर संतोष कुमारन को। अब एक चीज़ मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ, यहाँ पर देखिए प्रियम आशीष, लोकेश पी और पी सुरेंद्रन, ये तीनों के तीनों प्लेयर में से कोई भी दो बॉलिंग करवाते नजर आएंगे, ये मेरी गारंटी है 100%। T10 लीग का मजा ही यही है भाई, जो मेन बैट्समैन है वही आपके दो ओवर गेंदबाजी करते दिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। KGS की किंग्स की टीम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोहम्मद सलमैल फारिस की बात करें, 4 मैच में 12 रन है, इजीली आप इसे ड्रॉप कर सकते हो, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। अरविंद राज की बात करें, 7 मैच में 50 रन है, इजीली ड्रॉप कीजिएगा, जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा एक कमलेश्वरन की बात करें, 10 मैच में 218 रन, एक विकेट, गजब का प्लेयर, 100% टीम में होना चाहिए। जी थिवागर की बात करें तो 100% आपकी टीम में होना चाहिए। रीजन क्या है, 8 मैच में 6 विकेट है, 90 रन भी है, बैटिंग से परफॉर्मेंस देगा या फिर भाई बॉलिंग में विकेट निकाल कर आपको दे जाएगा। वही अगर बात करें चिरंजीवी की तो चिरंजीवी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 9 मैच में 10 विकेट, 150 रन है, गजब का प्लेयर है। के मुर्गुन के भाई यहाँ से स्टैट्स हमें नहीं मिले। वहीं अगर बात करें भूपेंद्र चौहान की तो ट्राई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जीएल मिनी जीएल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एस राजाराम मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, 100% ट्राई कीजिएगा। सतीश जागीर आपकी टीम में 100% होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 मैच में भाई यहाँ पर 140 रन प्लस भाई 13 विकेट है। एस मगेश को आपको अपनी टीम में रखना है, 44 मैच में 616 रन और भाई यहाँ पर 54 विकेट। वहीं अगर बात करें यहां पर जो भोगापुरापू स्वरूप है, इनकी अगर बात करें 44 मैच में 50 विकेट है, रन ज़्यादा नहीं बनाएंगे, एक बेहतरीन बॉलिंग ऑलराउंडर है, बट आपको विकेट अच्छी खासी निकालता दिखेगा, आपकी टीम में जगह जरूर इसकी बननी चाहिए। यहाँ से अगर बात करें KGS की तरफ से जो आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे वो एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ से भाई देखिए नीचे जो स्वरूप है ये आपकी टीम में रहेंगे, एस मगेश आपकी टीम में रहेंगे, सतीश जहांगीर भी आपकी टीम में रहेंगे। इसके अलावा ये तीन आपके लिए मस्ट पिक यहाँ से हो गए, ऊपर सी चिरंजीवी आपकी टीम में होने चाहिए और ए कमलेश्वरन आपकी टीम में, ये पाँच आपकी टीम में मस्ट पिक हो गए। यहां से अगर बात करें तो यहां से आप ऊपर से पी सुरेंद्रन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मतलब ट्राई कर सकते हो, मैं फिक्स नहीं बोल रहा, आपकी टीम में होना चाहिए। यहां से प्रियम आशीष लोकेश पी दोनों आपकी टीम में होना चाहिए, अरविंद राज आपकी टीम में होना चाहिए, तीन प्लेयर यहां से फिक्स कर लीजिए, 100% आपकी टीम में होना चाहिए। और पी सुरेंद्रन को भी आप ट्राई कर सकते हो या फिर आप नीचे आके संतोष कुमारन के साथ जा सकते हो, ठीक है। अब चलिए भाई बात करते हैं डेमो टीम की, लेकिन उससे पहले अगेन एक बार भाई याद दिला दूं, फाइनल टीम भाई टेलीग्राम चैनल पर आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए भाई बात करेंगे यहाँ से डेमो टीम की, इस टीम के साथ आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो भाई यहाँ से के नागर बाबू को हम ट्राई करेंगे या फिर आप पी सुरेंद्रन के साथ जा सकते हो, गजब का प्लेयर है, ठीक है। यहाँ से पी रघुपति आर रघुपति को आप ट्राई कर सकते हो, एक कमलेश्वरन मस्ट पिक प्लेयर रहेगा। इसके अलावा बी लोकेश हमारे लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, जी चिरंजीवी हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसके भाई यहां पर नीचे तो और तो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर दिख नहीं रहा मेरे को। बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, अरविंद राज मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, यहां से बी चौहान को आप ट्राई कर सकते हो, पी राजन मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, यहां से एस राजाराम की बात करें तो एक बार भाई इसके बारे में दोबारा से देखना चाहूंगा, एस राजाराम के बारे में, तो एस राजाराम कहां पे है भाई, KGS, थोड़ा सा भाई यहाँ पर 5 मैच में 6 विकेट है, ट्राई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो आप ट्राई करना चाहो तो ज़रूर से भाई इसके ऊपर आप रिस्क लेके चलिएगा, यहाँ से भाई आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ से माधन की तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ से अगर बात करें तो और तो भाई यहाँ से भी आपके लिए बस ऑलमोस्ट सारे प्लेयर मैंने कवर कर लिया। एस राजाराम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एस मगेश इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर सतीश जहांगीर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर भाई एक प्लेयर और था यार, क्या नाम था उसका, सतीश जहांगीर को हमने ट्राई कर लिया, एस मगेश को हमने ट्राई कर लिया। इसके अलावा बी स्वरूप आपकी टीम में ज़रूर से रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहो तो आप यहाँ से संतोष कुमारन को ट्राई कर सकते हो या एन जनार्दन को, अभी के लिए मैं एन जनार्दन के साथ जा रहा हूँ। फाइनल टीम में कुछ एक दो चेंजेज आपको होते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोनों टीम्स का पहला मैच है, तो भाई फाइनल टीम यहाँ से नहीं बना पाऊंगा। कैप्टन आप बी चौहान को रख सकते हो। वीसी की अगर बात करें तो बी स्वरूप आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर आप अरविंद राज के साथ भी जा सकते हो, ये मेरे हिसाब से। बाकी जो मेरा फाइनल वीसी रहेगा ना, वो भी आपको भाई आफ्टर टॉस
पता लगेगा, क्योंकि टॉस का रोल बहुत बड़ा रहेगा। जो भी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करने पहुंचेगी उसी के फेवर में टीम लेके चलेंगे, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सर्च अगर आपको करना है तो बहुत ही सावधानी के साथ करना है, क्योंकि यहाँ पर भाई काफ़ी सारे फेक चैनल बने हुए हैं। KPM F11 आपको इतना ही सर्च करना, और यहाँ पर टॉप पर आपको हमारा चैनल दिखेगा। 5900 फैमिली मेंबर हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, आप भी हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, तो आ जाइए भाई यहाँ पर। बाकी जो फाइनल टीम होगी ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अभी आप इस टीम को देख लीजिए, ध्यान से सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या यहीं पर वीडियो पॉज करके इस टीम के साथ आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।